गाइस वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैं बायोटिका और एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ। मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है बायोटिका एडवांस आयुर्वेदा क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग रिफ्रेशनिंग टोनर, एंड सेकंड प्रोडक्ट है मेरा आलमंड ऑयल डीप क्लेंज प्यूरिफाइंग क्लेंजिंग ऑयल। ओके, तो आज ये दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू मैं शेयर करूंगी आपके साथ में और अपने फेस पे इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगी, तो फिर बने रहिए मेरे साथ आगे तक। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बायोटिक का जितना भी प्रोडक्ट खरीद लो सब कोई सेम ही दिखता है, सबका पैकेजिंग सेम रहता है, सब कुछ सेम ही रहता है वो लोग का। अब मैं खोलने जा रही हूँ ये दोनों बोतल्स, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वन है एंड दिस इज द सेकंड वन। ओके, तो हम लोग पहले चलते हैं क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग के पास में विथ हिमालयन वाटर फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप के लिए है ये आप इनका ये पढ़ सकते हैं, ये उनका डेली स्किन केयर कलेक्शन है। सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, आप इसे देख लीजिए। बट इसका प्राइस 210 का है और ये आपका 120 ml का बोतल है। तो दूसरा वाला जो है इसमें भी सेम मतलब लिखा हुआ है जैसे बॉक्स में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए डेली स्किन केयर रूटीन इसमें भी अवेलेबल है, आप ये पढ़ सकते हैं। सॉरी मेरा कैमरा दोबारा फोकस नहीं कर रहा। इसका प्राइस आता है सेम ही है, 210 रुपये इसका भी प्राइस है और ये भी 120 ml का बोतल में ही आता है। ये है फेस एंड आई मेकअप रिमूवर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। और अभी मैं आपको इसे इस्तेमाल करके दिखाऊंगी कि एक साइड पे मैं क्यूकम्बर टोनर अप्लाई करूंगी और एक साइड पे मैं डीप क्लेंजिंग अप्लाई करूंगी। दोनों प्रोडक्ट है ये यूज करने के बाद में, मैंने अभी मेकअप अप्लाई किया हुआ है, आगे आप देखेंगे मैं ये यूज करूंगी उसके ऊपर। बोतल देख रहे हैं, सबसे पहले मैं ये आलमंड ऑयल यूज करूंगी क्योंकि मैंने अभी मेकअप लिया हुआ है। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूंगी, फिर फेस वॉश करने के बाद में मैं ये टोनर अप्लाई करूंगी, देखते हैं कि कौन कितना क्लीन करता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी, आप अगर ये भी अपने फेस पे डायरेक्ट मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं था तो मैं अपना मेकअप यूज़ करने के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ, ये भी मेरे स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। मैं बायोटिक का जो प्रोडक्ट है पिछले 5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इन प्रोडक्ट से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी कितना हैवी मेकअप लिया हुआ है, बस ये दिखाने के लिए कि वो प्रोडक्ट काम कैसे करता है। तो मैंने इसे निकाल लिया है, अब मैं कुछ अमाउंट इसमें लूँगी। ये बहुत ही थिक है, मतलब ऑयली टाइप का एकदम। वाओ, एक ही वाइप में ये सारा प्रोडक्ट निकाल के इसमें दे दिया है। वाओ, आई एम वेरी शॉक कि ये इतना अच्छा काम करता है। सी, मुझे लगा कि ये एकदम लिक्विड कंसिस्टेंसी में होगा जो मैं बायोटिक का टोनर यूज करती हूँ उस हिसाब से, बट ये इसका कलर मतलब ये एकदम ऑयल की तरह है, जैसे हम लोग बालों में तेल लगाते हैं उस टाइप का एकदम चिपचिपा सा है। लेकिन प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद आया, ये तुरंत ही मतलब फेस से मेकअप गायब कर दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले ये यूज करूंगी और उसके बाद मैं आपको टोनर यूज करके दिखाऊंगी कि जब मेरे पास क्लेंजिंग ऑयल नहीं था तो फिर मैं कैसे टोनर यूज किया करती थी। हम लोग सेम पैट में ही दूसरे टाइप से ये टोनर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग पहले देख सकते हैं कि मेरा पहले का जो मेकअप था वो टोटली रिमूव हो चुका है और मैंने टोनर से लिपस्टिक भी रिमूव करके आपको दिखाया है। ये वाकई में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली। मैं इसे यूज भी करती हूँ, मेरे को मतलब मेरे को दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो मेरे को बहुत ही अच्छे लगे हैं। आप चाहे तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं तो 100% कहूंगी कि आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने नेक्स्ट और भी बहुत सारे ये सब प्रोडक्ट के ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। बाय।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी अपना फेस वॉश किया है। हम लोग जो टोनर है क्यूकम्बर टोनर वो डालेंगे ये देखने के लिए कि इसे फेस वॉश से इस्तेमाल करके हम लोग का कितना मेकअप गया है। ये मैंने अपने फोन पैड में निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग अपना फेस वाइप करेंगे। बहुत ही हल्का सा मतलब डस्ट आया है, बहुत ही लाइट डस्ट आया है, उतना डस्ट नहीं आया है जितना आना चाहिए। कमेंट करेंगे तो मैं वो सब का भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।